नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा गुमला मुख्य सड़क नवाडी ग्राम के समीप मानव श्रृंखला बनाकर गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए जिला प्रशासन और झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य हंदू भगत के नेतृत्व में सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज को जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे आ रहे हैं। वही अपने अपने हाथों में बैनर में अपनी मांगों को लिखित रूप देकर गांधीवादी तरीके से मानव श्रृंखला बनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि हंदू भगत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले वर्ष से ही पड़की टोली नवाडी ग्राम के बीच खटवा नदी पर पुलिया निर्माण और सड़क निर्माण सहित संतोषी मंदिर से मुरुम, सोकरा भाया चुगलू, पड़की टोली से सकरपुर गमहरिया और टोटो से पंसो तक सड़क की मांग ग्रामीण जनता कर रहे हैं। यदि तत्काल मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत आगामी 28 फरवरी 2022 को गुमला उपायुक्त के समक्ष मानव श्रृंखला और 15 अप्रैल 2022 को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मानव श्रृंखला में ग्रामीणों के साथ झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संरक्षक अजित कुमार विश्वकर्मा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा, सरना समिति प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, महासचिव विमल कच्छप, झारखंड आंदोलनकारी सह महासचिव संजय तिर्की आदि भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस मानव श्रृंखला बनाकर उपस्थित थे। घुमटी पंचायत के अंतर्गत गांव है, वो गांव मतलब नदी से चारों तरफ टापू का बीच में है और जब बरसात का दिन में जब नदी भर जाती है तो स्कूलिया बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, इस पार से उस पार ही रह जाते हैं। जैसे डिलीवरी चाहे कोई मतलब सदस्य बीमार हो जाते हैं तो हम लोग को हॉस्पिटल गुमला नवाडी से आने के लिए भी रास्ता नहीं है, ना गम्हरिया तरफ से भी रास्ता नहीं है, ना टोटो तरफ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हम लोग खाँचा में बोह के लाते हैं नवाडी, गाड़ी आने जाने का सुविधा नहीं है गुमला सदर पहुँचाने तक, ये भी समस्या होती है। और विशेष का तो हम लोग का स्कूल बच्चों के लिए दिक्कत होता है आने जाने के लिए, कहे कि गांव तक सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बरसात में टापू हो जाता है, पानी आने से हम लोग गाँव तक सीमित रह जाते हैं। इधर मतलब रोड तक पहुंचने तक हम लोग को असंभव हो जाता है। अच्छे से ग्रामीण समस्या को लेकर के हम लोग प्रशासन को कई बार लिखा पढ़ी हम लोग कर रहे हैं। जैसे नवाडी से पड़की टोली सड़क निर्माण, बीच में खटवा नदी में पुलिया निर्माण, इसी तरह से लोहरदगा रोड संतोषी मंदिर से मुरुम सोकरा चुगलू पड़की टोली भाया सकरपुर गम्हरिया तक पथ का निर्माण हो, इसी तरह से टोटो पैंसो पथ का निर्माण हो। इसी क्रम में हम लोग आज मानव श्रृंखला का आयोजन हम लोगों ने ग्रामीण के सहयोग से किया है और 28 फरवरी को हम लोग उपायुक्त गुमला के समक्ष मानव श्रृंखला का कार्यक्रम तय किया है। इसी तरह से 15 अप्रैल को कचहरी परिसर हड़ताली वृक्ष की जगह हम लोग एक विशेष धरना का आयोजन करेंगे और अपना मांग से समर्थित तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि हमारा समस्या का समाधान जिला प्रशासन पुल सड़क का निर्माण नहीं करता है। हमारी आंदोलन ग्रामीणों के साथ चरणबद्ध तरीका से जारी रहेगा।